श्री राधा रानी जी प्राकट्य स्थल रावल। माता जी लीला बताएंगे, आप जाए मंदिर के लिए आप लीला बता दो एक बार। बहुत टाइम लगेगा। और शॉर्ट में बता दो आप थोड़ी सी, ये लाइव चल रही है, सब लोग आपको दर्शन कर रहे हैं। ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव पुराना बरसाना, कीर्ति जी इस भानु का ही महल है। कीर्ति जी इस भानु यहीं पर रहती थी, पहले जमुना यहीं पर रहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती है, यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो, कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए, है तो ये पुष्प लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पर पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए, ये लो कन्या। कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे, सब जगह कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कल्स के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल आए। नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा सब गोप वालों को बधाई के लिए, सब गोप वालों में बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से बीज भानु जी कीर्ति मियाँ गई गोद में राधा जी से, जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पन्ना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी, पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए, कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विष भानु के पास 11 लाख गाय थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप बाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा, हैरान कर रखा, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम नंदगांव हो गया। विष्णु जी कीर्ति मियाँ से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा जी और कीर्ति जी को लेकर उस पहाड़ पे जाके बस गए, उसका नाम विष्णु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रवृत्ति का वह नहीं पहुंच पाएगा, जो भी जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विष्णु वहाँ जाके बस गए, उसका नाम विष्णु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है, यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी होगी, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये विग्रह विषम प्रकट है, ये बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाख में पधरा दी गई हो। ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर जाके यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करील ही करील, टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो? तो बोले एक श्यामा गई आएगी जहाँ चार स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में चले तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया पर उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया के घर वगैरह के पास खड़ी होती है और चार स्थान से दूध की धार दे के जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में शम प्रकट है। विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया, वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर उसके नीचे जमीन पर गया। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरज करो वहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती। बोलो लाली लाल जय।
राधे राधे।